أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على الرسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد في محكم كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشكرون الصلوة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر आपका ये सालाना शोधा के हवाले से यानी अल्लाह तआला हम सबको राह शोधा को समझने की तौफीक अता फरमाए। रामन अपने मिजाजी में जो कि आगा जो मौका बहुत इस्लाम मुस्लिम और आप सब सही साहब का खिताब होना है और मुनासिब ये नहीं है कोई वक्त दे लूँ अच्छा गुजार शाह साहब की तरह मिल कर रहा हूँ कि कुरान मजीद कुरान हमीद ने शोहरा की जिंदगी के बारे में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमें यह पैगाम दिया है कि जो राय खुदा में मरता है उसके बारे में आप गुमान तक मत करो कि वो मर गया है बल आया बल्कि वो जिंदा है वलाकिन ला तशऊरून तुम शऊर नहीं रखते कि हयात शोहरा क्या है। जब कुरान मजीद ने एक फैसला सुना दिया कि हयात शोहरा मुसलम है क्योंकि परवरदिगार ने बता दिया है और हयात शोहरा को समझने के लिए इंसानी शऊर की बेदारी की जरूरत है। जितना इंसान के शऊर बेदार होगा वो राह शोहरा से इतना करीब होकर चला जाएगा, शोहरा की जिंदगी भी समझ में आएगी और राह शोहरा भी उसकी समझ में आ जाएगा। शऊर बेदार नहीं होगा तो ना राह शोहरा नसीब होगी ना हयात शोहरा के हवाले से हम कुछ कह सकते हैं। बस एक जुमले में कहूंगा, ये जो आप इस दस की सरजमीन में पूरे गिलगित के अफराद नौजवान मोमिन तशरीफ फरमा है, ये राह शोहरा को और हयात शोहरा को समझने के लिए बेहतरीन जरिया है। ये शऊर की अलामत है। अगर आपके अंदर शोहरा के हवाले से शऊर ना होता तो इस मजलिस में आकर न बैठते। शहीद राह दिखाता है, जिंदगी के राह मुतय्यन करता है और अपने बाद में आने वालों को बताता, देखो जिंदगी है तो शहादत में है, हयात है तो शहादत में है। वो जिंदगी जो शहादत के बगैर हो इज्जत जरूर है, लेकिन जो दर्जा खुदा ने शोहदा के लिए अता किया है वो किसी के लिए अता नहीं किया है। एक और जुमला कहूंगा, कुरान मजीद फरकान हमीद ने हर एक पर गुफ्तगू की है, लेकिन जितनी खूबसूरत तारीफ कुरान ने शोहदा के हवाले से की है किसी के लिए नहीं की है। किसी आलिम के लिए इस अंदाज में बयान कुरान का मौजूद नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ शोहदा के लिए। क्यों? इसलिए कि एक अच्छे आलिम के लिए तबलीग के लिए राह हमवार होना जरूरी है, हालात कसदार बहुत जरूरी है, लेकिन शोहरा वो हत्या होती है जब मामला बिगड़ते हैं तो जिंदगी राह खुदा में कुर्बान करके मामला को ठीक कर देते हैं, रास्ते हमवार कर देते हैं, मुश्किल को हल कर देते हैं। इसीलिए कुरान ने इनकी इज्जत की है और कुरान ने अपने दामन में उनको जगह अता की है। सलाम पढ़िए मोहम्मद व आल मोहम्मद। मेरा पैगाम ये आप लोगों को, अगर आप चाहते हैं कि बाइज्जत बनना, अगर आप चाहते हैं कि एक मुअज्जम को बनना, तो राय शोदा को छोड़िए नहीं, न शोदा को भूलिए न राय शोदा को छोड़िए। इसलिए राय शोदा में भी इज्जत है, याद शोदा में भी इज्जत है। ये जो आजादारी से जो शोदा है इसका पूरा प्रोसेस क्या है,
शोहदा की जान, शोहदा करबला की जान। ये रास्ते किसने हमारे किए, ये तरीका हमें किसने अता किया? इस तरह करोगे तो जियोगे, इस तरह करोगे तो मरोगे। हमने ये इल्हाम करबला से लिया है, हमें करबला ने सिखाया है कि आपने जीना कैसा है, हमें करबला ने सिखाया है तुम्हें जिंदगी कैसे बसर करनी है। शोहदा करबला हमारे नमूने अमल है कि अगर हम करबला से गुजरी रहे करबला तो हमारे वादे हो जाए, फिर कोई मुश्किल नहीं है कि कुर्बानी देने के लिए। पहले राह शोहदा को समझो, पहले शोहदा की असर को समझो, फिर राह का इंतखाब कर लो कि मेरे करना क्या है। इसलिए कि दीन बहुत अजीम है, इस्लाम बहुत अजीम है। इस इस्लाम और कुरान पर जब हुसैन कुर्बान हो सकता है तो और कोई भी कुर्बान हो सकता है। तुम
मेरे सुना तुम्हारा कोई बचपन का साथी भी है,
तो उसको खत दो, ज़ैनब ने कहा हुसैन ने कर दिया, ताकत ने लिखा हबीब ने मजार को से कहा जो तो रहने वाला है बचपन का दोस्त है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हुसैन अली की जान से हुआ पहुंचाता है। खतरनाक है, अपने दिल में हाथ रख लो,